हेलो क्लास 10, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, कई बार इस टाइप का आ चुका है। कह रहे सो दैट 7 - √5 इज इरेशनल, गिवन दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, ये आ चुका है, आई थिंक 18 और 19 में आ चुका है। ठीक है, इसको आप कैसे प्रूफ करेंगे? तो आपसे कहा जा रहा है कि 7 - √5 इज इरेशनल, तो हम इसमें एज्यूम कर लेते हैं कि इरेशनल है, फिर हम कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो अब एज्यूम करो, लेट अस एज्यूम दैट सेवन माइनस रूट फाइव इज क्या रैशनल। ठीक है, हमने ये अज्यूम कर लिया कि 7 - √5 क्या हमारा रैशनल है, तो रैशनल है तो पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा। आप लिख दो 7 - √5 इक्वल्स पी वाई क्यू, वेयर क्यू इज नॉट जीरो। ठीक है, और हम ये अज्यूम करते हैं कि पी एंड क्यू आर को प्राइम। को प्राइम क्या होता है? को प्राइम वो होता है कि दोनों का एक ही फैक्टर होगा, वन वन के अलावा और दूसरा कोई फैक्टर नहीं होगा। जैसे कि, और को प्राइम जनरली ऑर्डर में होता है, जैसे कि आप 7 ले लो, 3 ले लो। ठीक है, तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ओनली वन होगा, तो इस तरीके का जो पेयर होता है ना, उसको हम को प्राइम कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि 7 - √5 इक्वल्स वी वाई को क्यू के फॉर्म में हमने लिख दिया। अब आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, 7 - p/q, इसको आप लिख सकते हैं √5। ठीक है, अच्छा आप इसको लिख सकते हैं 7 q - p/q इक्वल्स √5। यहां तक कोई डाउट नहीं? अच्छा, अब एक चीज मुझे बताओ, ये चीज सही लग रहा है कि ये तो हमारा इरेशनल नंबर है जो कि गिवन है, और ये रैशनल के फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि पी एंड क्यू क्या होता है? रैशनल इंटीजर होता है, तो इंटीजर होता है, तो कोई भी इंटीजर आप डाल के देखोगे तो ये एक रैशनल के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? रैशनल। और ये हमारा इरेशनल। तो क्या ये आपको सही लग रहा है कि रैशनल इक्वल्स इरेशनल हो जाए? तो यही तो कंट्राडिक्शन है, हेंस द कंट्राडिक्शन, हेंस द कंट्राडिक्शन। जब कंट्राडिक्शन हो गया तो क्या होगा? तो फिर ये रैशनल नहीं होगा। सो 7 - √5 इज इरेशनल। ठीक है, क्यों? क्योंकि √5 हमारा इरेशनल गिवन है, तो रैशनल इरेशनल कभी इक्वल नहीं होगा, तो कंट्राडिक्शन हो गया। तो कंट्राडिक्शन हो गया तो फिर क्या, हमने इसको रैशनल लिया तो ये इरेशनल होगा। रियल नंबर सिस्टम में या तो रैशनल या नहीं तो इरेशनल, यही होता है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? अब आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो कोई भी डाउट हो आपको, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।